फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मोर गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, उसको डिलीट किया हुआ था क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक मीडिया के थ्रू आई थी लेकिन वो मास लेवल पे नहीं थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मेरा उद्देश्य व्यूज़ लेना या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं होता है, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके पास जा सके। अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि एग्ज़ाम को कैंसिल ना किया जाए। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि 2015 के केस से किस तरह से ये कोरिलेट कर रहा है वो भी मैं बताता हूँ कि 2015 में जब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तब क्या हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने ये कहा है कि नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल ना किया जाए क्योंकि ये एक तरह का भगदड़ मचा देगा। लाखों कैंडिडेट्स जो हैं, जो कि मेहनत करके आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाएगा। तो और उनका ये भी यहाँ पे उद्देश्य था कहने का कि क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं मिला हुआ है, ऐसा मास लीकिंग का प्रूफ नहीं मिला हुआ। ये माना हुआ कि गड़बड़ियाँ हुई हैं लेकिन मास लेवल पर गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जा सके। मतलब सेंटर एक्सेप्ट कर रहा है कि गड़बड़ियाँ हुई है, एक बात तो तय हो गई। ठीक है, 2015 के केस में क्या हुआ था कि 44 स्टूडेंट जो है वो पकड़े गए थे। तब भी सेंटर का यही आर्गूमेंट था कि केवल 44 बच्चों की वजह से आप पूरा एग्ज़ाम, लाखों बच्चों का एग्ज़ाम नहीं कैंसिल कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं माना और कहा कि नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो बच्चे संशय कर लेंगे कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, तो एग्ज़ाम की पवित्रता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सेंटर के कहने के बावजूद भी कि 44 बच्चे ही तो केवल ऐसे हैं जो कि पकड़े गए हैं या लीकिंग में हैं, मास लेवल पर नहीं हुआ है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था कि दोबारा नीट की परीक्षा हो, दोबारा CBSE एग्ज़ाम कराएगा। और CBSE उसमें कल्प्रिट भी था। यहाँ पर भी सेम वही केस है। यहाँ पर अब ये देखने की बात है कि कितने बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कितने बच्चे पकड़े जाते हैं यहाँ पर। अगर कुछ भी बच्चे यहाँ पे पकड़े जाते हैं, ऐसा कुछ केस होता है जैसे 44 बच्चे उसमें पकड़े गए थे, इसमें भी अगर बच्चे पकड़े जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर सेम वही डिसीज़न देता है जो 2015 में देता है कि अगर कोई भी किसी तरह से डाउट करता है एग्ज़ाम की प्रणाली पे, या फिर कुछ बच्चे भी अगर मास लीकिंग करते हैं या कहीं पर भी लीकिंग करते हैं, और सेंटर का ये आर्गूमेंट फिर वहाँ पर फेल हो जाएगा कि लाखों बच्चों का के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सेंटर सुप्रीम कोर्ट सीधे कह सकता है कि 2015 में भी हमने ऐसा किया था, यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका हवाला भी दिया जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा मैटर तो 2015 के केस का भी हवाला दिया जाएगा कि 2015 के केस में 44 बच्चों की वजह से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था। अगर इसमें कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। अब क्या सबूत है, क्या उतने सफिशेंट सबूत हैं, कितने बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये सब तो फाइनली जो प्रूफ दिया गया है वही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 2015 का केस आप देख सकते हैं, उस हिसाब से 2024 का केस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। अब ये देखना है कि क्या प्रूफ सफिशियंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कहना है कि कोई भी ऐसा मास लीकिंग का प्रूफ नहीं है, मास लीकिंग नहीं हुई है। मतलब लीकिंग हुई है लेकिन मास लीकिंग नहीं हुई है। दैट्स ऑल।